आज हम बेसन के लड्डू बनाना सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। सो लेट्स सी आवर इंग्रेडिएंट्स। ये हमने 250 ग्राम मेजरिंग कप में बेसन लिया है, तो इसलिए हमने इसका सेम प्रोसीजर, अगर किसी के पास मेजरिंग कप नहीं है तो वो एक कटोरी से भी कर सकता है। कटोरी और इसका मेजरमेंट सेम है। और ये हमने टू कप शुगर लिया है। ये खांड के रूप में भी मिलती है मार्केट में, इससे हमारे बेसन के लड्डू में एक अच्छा करारापन आता है। ये हमने एक कप घी लिया है देसी घी। ये दो चम्मच सूजी लिए हमने। सूजी हमारे लड्डू को एक अच्छी बाइंडिंग देगी और एक अच्छा करारापन देगी। ये थोड़ा सा हमने येलो फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम गैस ओपन करेंगे। अब हम कढ़ाई में हल्का सा गर्म होने के बाद जो हमने घी लिया था हम उसको ऐड करेंगे। आप घी को अच्छे से कटोरी से लेना, नहीं तो फिर हमारे लड्डू में कम हो जाएगा। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए आप उसमें बेसन ऐड कर देना। ये मैंने 2 कप्स बेसन का के लड्डू बना रही हूँ मैं। और हमें इसे लगातार चलाते हुए बनाना है, नहीं तो बेसन नीचे से जल जाएगा। अब हम इसमें जो हमने सूजी ली थी वो भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक हमारी बेसन का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और ये साइडों से घी नहीं छोड़ने लगे। इसको अच्छे से हिलाते हुए चलाएंगे, बीच में रुकना नहीं है, नहीं तो हमारा बेसन नीचे से जल जाएगा, जिसकी स्मेल बहुत ज्यादा गंदी लगेगी खाने में। हम इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल देंगे। ये एक अच्छे कलर के लिए आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, इससे एक अच्छा कलर आता है लड्डू के अंदर। इसको आपको बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है, नहीं तो हमारा बेसन नीचे से जल जाएगा। अब आप देखिए थोड़ा थोड़ा बेसन भूनना शुरू हो गया है, ये हल्का हल्का सा फ्लफी हो गया है, तो ये हमारी पहचान है लड्डू को बेसन भूनने की, कि हमारा बेसन भूनना शुरू हो गया है। अब देखिए हमारा बेसन हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। आप अभी भी गैस को मीडियम ही रखेंगे। देखिए अब हमारा बेसन काफी भून चुका है, बस 2-3 मिनट में अभी और भूनकर तैयार हो जाएगा, फिर हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। आप देखिए
हमारा बेसन बिल्कुल भुन चुका है, अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। और देखिए हम इसको इजिली रोटेट कर सकते हैं। स्पीड में हमारा बेसन भुनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें पीसी हुई वो चीनी या फिर खांड मिलाकर इसके हम लड्डू तैयार करेंगे। इसको भूनने में 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है, तो आप बिल्कुल धीरे धीरे लो टू मीडियम गैस पर भूनना, जिससे हमारे लड्डू बेसन जलेगा नहीं और हमारे लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। अब हमारा बेसन अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसको कम से कम आप आधे से एक घंटा अच्छे से ठंडे होने देना, नहीं तो अगर आप गर्म बेसन में चीनी मिलाओगे तो पानी छोड़ देगी, जिससे आपके बेसन के लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। अब इसमें चीनी मिलाकर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये मैंने 2 कप चीनी ली है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। मेरे बच्चों को थोड़ा मीठा पसंद है तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीनी डालती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब आप इसको अच्छे से हाथ से मिला लो। ये अच्छे से चीनी और बेसन आपस में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब देखिए हमारी चीनी और बेसन अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अब हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेकर इसको ऐसे राउंड राउंड दबाते हुए बेसन के लड्डू अपने तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम अपने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।